नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और इसके परिणाम भी आ गए हैं। सूबे में नई सरकार बनने वाली है, फिर से नीतीश कुमार बिहार के सीएम होंगे। लेकिन इस बीच एक और चुनाव का रिजल्ट आया है, इसके परिणाम भी कल से ही जो है चर्चा में बने हुए हैं। ये चुनाव था स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का। इसे बिहार विधान परिषद का चुनाव कहा जाता है। इस बार बिहार विधान परिषद की कुल 8 सीटों को लेकर मतदान हुए। बीजेपी और जदयू ने 8 में से 3 सीटें जीती हैं। वहीं दरभंगा से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा फिर से चुने गए हैं। ये तो खबर थी हमने आपको जो बता दी, लेकिन अब बात थोड़ी सी जानकारी की कर लेते हैं। इस चुनाव के बारे में सुनकर आपको भी लगता होगा कि भाई ये कौन सा चुनाव है, तो चलिए आपके साथ साथ हम अपना भी ज्ञान बढ़ा लेते हैं। जिस तरह से देश की संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, ठीक वैसे ही देश के कई राज्यों में दो सदन होते हैं जिन्हें विधान परिषद कहा जाता है और विधानसभा कहा जाता है। विधानसभा का चुनाव अभी अभी बिहार में हुआ, बिहार भी ऐसा ही राज्य है। बिहार विधान परिषद जिसमें बैठने वाले लोगों को MLC कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि देश में इस समय सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। इसमें बिहार है जिसमें 58 सीट है, कर्नाटक है जिसमें 75 सीट है, महाराष्ट्र है 78 सीट है, तेलंगाना है 40 सीट और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 100 सीट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है, 58 सदस्य हैं, लेकिन अब इस राज्य ने कह दिया है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और इसके लिए जो है एक प्रस्ताव भी विधानसभा में पारित कर दिया गया है। 370 धारा जब तक जो है कश्मीर में थी तब तक वहाँ भी विधान परिषद था, लेकिन अब नहीं है। विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, अब ये सवाल है। तो बिहार विधान परिषद की अगर बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है और बिहार में जैसा कि हमने आपको बताया कि 58 के करीब है। फिर भी एक कॉमन पैरामीटर ये होता है कि जो विधान परिषद है उसमें विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए और कम से कम 40 सदस्य तो होने ही चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधायक मिलकर चुनते हैं, 1/3 सदस्यों के में जो है नगर निगम जिला बोर्ड वगैरह के सदस्य जो है उन्हें चुनते हैं, 1/12 सदस्यों को टीचर्स चुनते हैं और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। बाकी सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और इनका कार्यकाल होता है 6 साल का। अभी जो परिणाम आए हैं वो टीचर्स और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के द्वारा चुने गए लोग हैं। इसे ही शिक्षक और स्नातक क्षेत्र का चुनाव कहा जाता है। इस चुनाव में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही वोट कर सकते हैं। आपके पास वोटर आई कार्ड होगा लेकिन आप वोट नहीं कर सकते हैं और दोनों चुनाव थोड़े बहुत अलग होते हैं लेकिन ज़्यादातर प्रोसेस जो है कॉमन होते हैं। पहले बात कर लेते हैं शिक्षक वाले चुनाव की। तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो सीट आते हैं उसमें पटना है, दरभंगा है, तिरहुत का क्षेत्र है और सारण की सीट है, इसमें शामिल है। वोटर कार्ड होने के बाद भी आप इस चुनाव में वोट नहीं कर सकते। वोट डालने के लिए आपका टीचर होना भी सिर्फ काफ़ी नहीं है, MLC के लिए हाई स्कूल और उसके ऊपर पढ़ाने वाले टीचर्स वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें MLC चुनाव में वोट डालने के लिए वोटर बनना पड़ता है। माध्यमिक विद्यालय, पब्लिक स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सेंट्रल स्कूल और अन्य स्कूलों के टीचर्स इसमें वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स भी के पास भी वोटिंग राइट होता है। इन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक से एक साइन करवाने की ज़रूरत होती है। अगर जिला निरीक्षक जो है एक साइन करके बता देता है कि फलाना आदमी जो है वोट डालने के लिए जो है एलिजिबल है, तो वो वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ जाता है। अब वोटर कैसे बना जाए, वो टीचर जो कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हों वोटर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे टीचर जिन्हें रिटायर हुए 3 साल हुआ हो से ज़्यादा नहीं हुआ हो वो भी वोट डालने के काबिल हैं। वोटर कैसे बनते हैं, वो टीचर जो कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हों वोटर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे टीचर जिन्हें रिटायर हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है वो भी वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। वोटर बनने के लिए टीचर्स को फॉर्म 19 भरना होता है, इसमें नाम, गाँव, स्कूल, कॉलेज का विवरण भरना होता है, इसका प्रूफ देना होता है। घर के पते के लिए राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड वगैरह यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आप जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका भी आपको प्रूफ देना होता है।
इस फॉर्म को प्रूफ के साथ इलेक्ट्रोल रजिस्टर ऑफिसर यानी ईआरओ के यहाँ पे आपको जमा कराना होता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाता है और आप इसे अब ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अब चुनाव होते कैसे हैं? हर 6 साल में ये चुनाव होते हैं। जिन टीचर्स के नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं वो वोट डालने के लिए ब्लॉक लेवल पर जिसकी वोटिंग होती है वहाँ जा करके वो वोट डालते हैं। इन चुनाव के लिए भी अब कहीं कहीं ईवीएम मशीन का यूज हो रहा है। बाकी का प्रोसेस वही है, जिसको ज़्यादा वोट मिला वो जीत गया और एमएलसी बन गया। अब यहाँ सवाल है कि चुनाव कौन लड़ सकता है? तो हाई स्कूल के टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात, ये तो टीचर वाली बात थी, अब बात हम कर लेते हैं स्नातक क्षेत्र की। तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलेक्शन होता है ये भी करीब करीब जो है टीचर वाले चुनाव की तरह ही होता है। यह चुनाव भी इस चुनाव में जैसे कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अगर बात करें बिहार में, तो इसमें पटना है, तिरहुत है, कोसी की सीटें हैं, ये सीटें इसमें शामिल हैं। इसमें भी वही लोग वोट डालते हैं जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हो। ग्रेजुएशन किए अगर 3 साल हो गया है तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। एमएलसी को चुनने वाले और एमएलसी के उम्मीदवार, ये दोनों ही ग्रेजुएट होने चाहिए। अब बात ये कि चुनाव होता कैसे है। दरअसल संसदीय लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था जो है वो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षक और ग्रेजुएटों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरीके की व्यवस्था का गठन किया था। विधान परिषद की संरचना और गठन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा था और इसे शामिल किया था। उस समय से ये चुनाव हो रहे हैं और टीचर या ग्रेजुएट कोटे से चुने गए एमएलसी को उतना ही पावर होता है जितना कि विधानसभा में बैठा हुआ एमएलए को होता है और ये लोग सीएम तक बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये चुनाव जो हो रहे हैं ये अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? पहले बात अगर हम टीचर्स के वोट डालने की करें तो सारे के सारे टीचर्स जो है इन चुनाव में वोट नहीं करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम कर्नाटक का जिक्र ले लें 2007 का, तो उस समय जो चुनाव हुए थे उसमें टीचर्स जितने एलिजिबल टीचर्स थे वोट डालने के लिए उसमें से मात्र 60,000 जो है वो वोटर लिस्ट में जुड़े थे और इनमें से केवल 21,000 जो टीचर्स थे उन्होंने ही वोट किया था। इस तरीके से योग्य वोटर्स का मात्र 3% हिस्सा ही जो है वो वोट डालने पहुंचा और जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसे मात्र 11,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले, यानी कि एलिजिबल वोट का 1.6%। और इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितने कम वोटों में, कितने कम प्रतिनिधित्व में जो है एक कैंडिडेट जो है वो एमएलसी बन गया। फिलहाल इसके ऊपर चर्चा आप खुद से भी कर सकते हैं। हालांकि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसे दोस्तों के साथ भी साझा करते रहें। धन्यवाद।